अमेठी राज परिवार का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस सांसद संजय सिंह और उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह के बीच शाही महल भूपति भवन को लेकर विवाद गहरा गया है। संजय सिंह के अमेठी पहुंचने की खबर को लेकर गरिमा सिंह के बेटे अनंत विक्रम और उनके समर्थक महल के सामने जुट गए। दोनों पक्षों के बीच टकराव को देखते हुए भूपति भवन के आसपास बड़ी तादाद में पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। इस बीच भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस ने अनंत विक्रम के समर्थकों पर जमकर लाठियां भाजी। इसके बाद अमेठी के स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस अहिंसक झड़प में विजय मिश्रा नाम के एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई। अपने साथी की मौत के बाद पुलिसकर्मियों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने लोगों का दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने एहतियात तौर पर जो है वो अनंत विक्रम सिंह को भूपति भवन के भीतर नजरबंद कर लिया है। गांव वालों की तरफ से किसी ने कट्टे का प्रयोग किया है, जिसमें हमारा एक सिपाही घायल हुआ है और वो बहुत ही दुखद रहा। और पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है, पुलिस की तरफ से केवल खदेड़ा गया है और लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया गया है। सिपाही के क्या कोई कैजुअलिटी भी? हाँ, ये अभी जो अभी जैसे जानकारी हुई है संभवतः उसकी डेथ हो गई है। क्या नजरबंद किया गया अनंत विक्रम जी का? नहीं, नजरबंद नहीं किया गया, वो अपने घर पे है, नजरबंद नहीं किया गया है। लाठीचार्ज और पूरे विवाद के बारे में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। ये रिक्शा गिरा दिया, पूरा खटिया गिरा दिया, दुकान में सारा चीज लूट ले गए, दुकान में सब पूरा चक्कू छुरी चला के सब लड़के को लेडीज को सबको मारे। हम लोग तो घर में घुसे थे, वो लोग कहे, पुलिस वाले कहे कि हम लोग मनी बंद कर लो, दुकानें सब अंदर जाओ, हम लोग अंदर हो गए तब भी एक अत्याचार किए ये लोग। अरे यहाँ तोड़ फोड़ कर दिया और क्या करे, दुकान बंद कराया, बंद कर दिया हम लोग घर में घुस, पुलिस वाले बंद कर दिया, हमने बंद कर दिया तभी बावजूद ताला वाला टूट गया। अमेठी राजघराने में संपत्ति विवाद को लेकर हिंसक झड़प में एक सिपाही की मौत हो गई। पूरे विवाद के बाद अनंत विक्रम सिंह की बहन सोनिया सिंह सामने आई और उन्होंने सारे विवाद की वजह संजय सिंह की पत्नी अमिता मोदी को करार दिया। सोनिया सिंह ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। यही विवाद है कि हमारे भाई को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो हमारे पिता को अधिकार देना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी दिखाया कि हमारे भाई का सामान फेंक दिया गया, हमारी भाभी का सामान हटा दिया गया वहां से, कुछ चोरी हो गया कुछ। तो हमारी माँ का यही कहना हुआ कि भाई मेरे अधिकार की जब बात थी तो मैं चुप रही 22 साल तक, लेकिन अब देख रही हूँ कि मेरे बेटे और मेरे पोते का भी अधिकार छिन रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और आपको बता दें कि इस पूरे विवाद पर थोड़ी देर पहले हमने अनंत विक्रम सिंह से फोन पर बातचीत की थी, क्या उनका कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग को सुबह से ही हम लोग को एक तरह से हाउस अरेस्ट पे करके रखा हुआ है अंदर, और हमारे साथ जो हमारे चार पांच का मतलब घर के कार्यकर्ता और नौकर थे उनका भी फोन जब्त कर लिया गया है सुबह करीब 11:15 बजे से। और जिन लोगों को और अंदर आकर फिर डराया गया है कि अभी प्रशासन के अधिकारी अंदर घुसेंगे तो अंदर मारेंगे सबको, ये कहकर सबको बाहर निकाला गया। और घर के जब जैसे ही बाहर निकले उन सबको मारा गया है, कई उसमें से अस्पताल पहुंच गए हैं। और सुबेरे से अखबार में जो छपा है कि आज महाराज आएंगे ये तय हो गया है, ये सुनकर रियासत के और पुराने जो यहाँ के समर्थक थे वो सब आए थे महाराज के स्वागत में। अब इसको ये ट्विस्ट दिया गया है, अमिता मोदी और उनके आदमियों ने ये ट्विस्ट दिया है कि भीड़ इकट्ठा की गई है महाराज को रोकने के लिए, जबकि मैं शुरू से कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि महाराज का घर है, महाराज का स्वागत है, और यदि महाराज के साथ कोई और आता है तो उसको रोकने का हक केवल रानी साहब और परिवार का है, उसमें जनता का कोई रोल नहीं है। इसमें अमिता मोदी के लोगों ने भीड़ में घुसकर किसी को मारा, गोली चलाई और ये आरोप लगाया जा रहा है। मैं भला पुलिस को क्यों मारूंगा, मेरा उसमें क्या इंटरेस्ट है पुलिस के ऊपर गोली चलाने का? मेरा और मेरे पिताजी के बीच में कोई विरोध ही नहीं है, न शुरू से था न आज है, केवल एक ही बात पे शुरू भी मैंने जब मैं आया था अमेठी तभी भी मैंने स्टेटमेंट दिया था कि केवल एक ही बात पर मैं महाराज से अग्री नहीं करता हूँ कि अमिता मोदी मेरी माँ है, अपनी माँ को त्याग के किसी और को माँ नहीं मान सकता हूँ और आज भी इसी बात पे दृढ़ हूँ। महाराज और हमारी माँ बैठ के आपस में बातचीत करें, इसमें किसी को और को आपत्ति क्यों हो सकती है, लेकिन महाराज हमसे बात करने को तैयार नहीं है। पिछले 9 महीने से 10 महीने से हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं ना बात कर रहे हैं, और इस बात का फायदा केवल अमिता मोदी और उनके लोग उठा रहे हैं। तो
तो घर का विवाद अब सड़क पर उतर आया है अमेठी राज परिवार का। इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारी यूपी ब्यूरो चीफ शलभमणि त्रिपाठी। इनके अलावा हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अमरनाथ अग्रवाल और समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी साहिब सिंह। सबसे पहले हम अपडेट ले लेते हैं, हमारे यूपी ब्यूरो चीफ शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ, क्या अब भी वही स्थिति बनी हुई है जो अब से थोड़ी देर तक पहले तक हम यहाँ पर देख पा रहे थे? और देखिए, पुलिस ने हालात को नियंत्रण में कर लिया है। अगर ठीक पीछे मैं आपको दिखाऊं तो बैरिकेड है जो राजमहल की तरफ ये रास्ता जाता है, और पुलिस ने इस पूरे रास्ते को बैरिकेड रखा हुआ है, और ये कह सकते हैं कि पुलिस ने हालात को नियंत्रण में कर लिया है। लेकिन जो तनाव है वो लगातार बरकरार है, क्योंकि बिल्कुल इस तरफ कटरा गाँव पड़ता है, वहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि लगातार पुलिस उनके घरों में घुस रही है, पुलिस उनको मार रही है, पीट रही है, सामान लूट रही है। जो गाँव के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो सब घर छोड़ के वहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो तनाव इस पूरी घटना को लेकर राजमहल का जो पूरा झगड़ा था वो सड़क पर उतर आया है, और निश्चित तौर पर यहाँ जो जनता है यहाँ की, वो भी दो खेमों में बट गई है। एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि अनंत को उनका अधिकार मिले, और दूसरा खेमा जो है वो जो राजा संजय सिंह है उनके साथ है। जहां तक अनंत की बात है, अनंत ने मीडिया से बात की है, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर संजय सिंह से मीडिया ने बात करने की कोशिश की, वो भी उनका पक्ष सामने नहीं आया। लेकिन फिलहाल इस वक्त तक राजमहल के अंदर डॉक्टर संजय सिंह और उनकी जो पत्नी है, दूसरी पत्नी अमिता सिंह, वो दोनों मौजूद हैं। दूसरी तरफ अनंत सिंह और उनकी जो माँ है गरिमा सिंह, वो भी राजमहल मौजूद हैं। और अभी जो हमारी बात हुई है राजमहल के अंदर कि आपस में इनकी कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। प्रशासन हालांकि इस बात का इंतजार कर रहा है कि राज परिवार का जो झगड़ा है वो बातचीत से सुलझ जाए तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की सिचुएशन नहीं आएगी। जिस तरीके से आज एक सिपाही को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, तो प्रशासन भी ये कोशिश कर रहा है कि राज परिवार का जो झगड़ा है वो बातचीत से सुलझ जाए, लेकिन ये वक्त बताएगा कि किस तरह से ये पूरा झगड़ा निपटता है। लेकिन बातचीत से क्या ये वाकई में सुलझ पाएगा, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। हो चाहे कुछ भी, अमेठी राज परिवार की ये लड़ाई है, लेकिन जनता इसमें पिस रही है। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के नेता अमरनाथ अग्रवाल भी हैं। अग्रवाल जी, क्या आप इस पूरे मुद्दे पर कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सिपाही की मौत हुई है, और जहां तक बात ये एक परिवार का मामला है, इसमें न कोई कुछ दखल कर सकता है। निश्चित है कि मौत हुई है किसी की गोली से, परिवार का मामला रहा नहीं अंदर, अब ये बाहर आ चुका है सड़क पर। अग्रवाल साहब, बाहर भी आ गया है तो ठीक है, बाहर आया है तो बाहर के कौन लोग हैं इसमें? आनंद विक्रम सिंह जी के इस बयान से अभी लग रहा है कि वो तो स्वागत के लिए खड़े थे, जैसा वो कह रहे हैं उनका कहीं कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो भीड़ किसके लिए आई थी, क्यों आई थी, इस बात की जांच होनी चाहिए। और जहां तक बात ये हो रही कि भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई, और वो भी असलाधारी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, ये इस प्रदेश के प्रशासन का फेल्योर है। आईबी या इंटेलिजेंस कहीं भी कुछ काम नहीं कर रही है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्या अब किसी को अपने घर जाने के लिए भीड़ से होके जाना पड़ेगा? ये कैसा शासन है, कैसे हो रहा है ये, और किसने किया है? गोली तो चली है, गोली किसकी तरफ से, किसने चलाई है, ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। अगर अनंत विक्रम सिंह जी का इसमें कहीं कोई वो नहीं है, परिवार है, पहले भी वो साथ रहते थे, आज भी वो साथ हैं और आगे भी हो सकता है साथ रहेंगे, परिवार के सदस्य हैं वो, तो कोई तीसरी शक्ति, कोई क्या साजिश है, कोई आदमी, तीसरी दल या तीसरी शक्ति कोई इसमें राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस झगड़े को बढ़ा रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह देख रहे हैं? निश्चित है कोई ना कोई राजनीतिक वजह होगी, क्योंकि इस तरह की पहले भी वहां पे अमिता सिंह जी वहां से विधायक रही हैं, 3 बार विधायक रही हैं, अमेठी की जनता ही ने उनको विधायक बनाया है। तो ये विरोध एकदम से आज जो हुआ है, इसके पीछे राजनीतिक साजिश है कोई ना कोई, और लोग बाहर के लोग घर के झगड़े का फायदा उठाना चाह रहे हैं, मुझको तो ऐसा ही लगता है इसमें। चौधरी साहिब सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन का फेलुअर है ये, आरोप लगा रहे हैं आप पर अग्रवाल साहब। ऐसा है हिमांगी जी, देखिए ऐसा है, अब अग्रवाल साहब क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो तो इनकी मर्जी की बात है। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि एक परिवार का झगड़ा है, और परिवार का झगड़ा परिवार के बीच में निपटना चाहिए था। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, सारे झगड़े की जड़ जो है वो संजय सिंह हैं। संजय सिंह ने जिस तरीके से जो है दूसरी शादी की, अपनी पहली पत्नी और बच्चों को लावारिस छोड़ दिया, तो वैसे तो उन्हें जो भी उनका था, जो भी उनकी संपत्ति, किस बात के लिए आप जिस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि संजय सिंह जी ने दूसरी शादी की, बच्चों को लावारिस छोड़ दिया, ये सबके सामने मैं कोई नई बात थोड़े कह रहा हूँ, सबे मालूम है, हम साथ हैं, ये सबे मालूम है। देखिए ऐसा है, ये तो सामाजिक तौर पर कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है,
लेकिन जो सारा जानकारी है, जो पत्रकारों की, जो मीडिया की सारी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये है कि मैं उस पर उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, किस तरीके से क्या क्या हुआ था, कैसे शादी हुई है, कैसे उसकी सैयद मोदी की हत्या हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, कितने झगड़े। लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर है और जो 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 एक अराजकता की स्थिति जो यहाँ उत्पन्न हो गई है, क्या आप नहीं मानते प्रशासन का फेलुअर है कि आप इस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाए? देखिए, प्रशासन का एक परिवार का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, और उसे लेके मतलब ये सारी चीज प्रशासन के ऊपर थोप दी जाएंगी। प्रशासन क्या हर घर की जो है, हर घर की सिचुएशन, हर पति पत्नी, हर बाप बेटे की जो है सूचनाएं प्रशासन रखेगा अपने पास क्या? सारी जो है सुबह शाम तक प्रशासन हर उसकी जांच करेगा कि कहां जो है कौन किस में, किस पति पत्नी में झगड़ा होने वाला, किस बाप बेटे में झगड़ा होने वाला? ये खाली आरोप है, ये खाली आरोप की बात है। अरे पुलिस तो जब मान लिया इस तरह की संभावना सामने आई है तो पुलिस गई थी, लेकिन सिस्टम में बात पहुंचेगी। एक तो संभावना भी कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि घर घर जाएगा आदमी, कैसे पता लगाएगा? मैं दो बात नहीं कर रहा हूँ, थी ना, मैं दो बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए उनका परिवार कैसे हो गया, अरे उनका परिवार का झगड़ा था, जानकारी के बाद परिवार के झगड़े में हो रहे। आप इस बात से मुझे माना चाहते हैं और आप पत्रकार बातें कैसे कह सकते हैं? अरे झगड़ा कांग, देखिए ऐसा सुनिए, मेरी बात सुन ली अग्रवाल साहब, संजय सिंह चूंकि कांग्रेस के नेता हैं और आप तो उनके पक्ष में जो है बोल रहे, आप तो उनके पक्ष ही बात करेंगे और हर चीज सरकार के जिम्मे मर दोगे, तो ये कोई उचित नहीं है। वो भी हमारे परिवार के हैं, मतलब जो हकी करी नहीं रहा, मैंने पहले कहा कि पारिवारिक मुद्दा है, इस पे हमको कुछ बोलना नहीं। एक सेकंड चौधरी साहब, सिंह जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी एमएलए रामेश्वर चौरसिया भी जुड़ चुके हैं। रामेश्वर जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, ये वाद विवाद का विषय नहीं है, ये अपने परिवार का इनके मामला है, पहले भी मामला उठा था, इनको सलटाना इनकी परिवार का है, इनकी जिम्मेवारी है वो देखे। हाँ, दूसरी बात, अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है परिवार के झगड़े में, तो वो देखना प्रशासन और सरकार का काम है। इसमें कहीं भी लोग कह देते हैं राजनीति हो सकती, इसमें क्या राजनीति है, सारे तथ्य सामने हैं, सभी लोग जानते हैं, कोई आज का ही मसला नहीं है, मसला पुराना है। तो परिवार के मसले बीच बीच में उठते रहते हैं तो बैठ के ही सुलझा सकते हैं। हम इसमें किसी को दोष दें मुझे ये नहीं लगता, लेकिन हाँ, कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, ये यूपी सरकार और प्रशासन देखेगी, ये उनका काम है, देखना भी चाहिए ताकि कोई कानून अपने हाथ में लेकर के गलत काम नहीं कर दे। चौधरी साहिब सिंह जी, एक बार फिर से आप पर एक बार आरोप यहाँ पर लग रहा है कि जो कंट्रोल करनी चाहिए स्थिति, वो स्थिति कंट्रोल वहाँ नहीं हुई है, जिस तरह की स्थिति आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक पुलिस वाले की यहाँ पर मौत हो जाती है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हिमांगी जी, देखिए प्रशासन ने जैसी जितनी सूचना थी उसके आधार से वहाँ पुलिस बल तैनात किया था, लोगों को मतलब ये थोड़ा ही था कि जो है बाप बेटे और पति पत्नी में इस तरह का उग्र जो है हालात पैदा हो सकते हैं, इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो सकती है। ये है कि वो पहले से वहाँ रह रहे हैं, संजय सिंह और उनकी दूसरी पत्नी वहाँ आ रही है, तो वो एक जो है रूटीन वर्क था और उसमें ये माना गया था कि तनाव की स्थिति है, कुछ हो सकता है, उसकी दृष्टि से वहाँ पुलिस भी तैनात हुई थी, लेकिन उसमें जो है इस तरह का वातावरण वहाँ क्रिएट कर दिया गया, सिपाही तक की हत्या हो गई है, पुलिस प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक सिपाही तक जो है गवा दिया है। अब इस बात को लेकर इस तरीके से आप हर चीज पे कि पुलिस फेल है, प्रशासन फेल है, सरकार फेल है, हर इस बात को लेकर इस तरीके का जो है वातावरण बनाया जाएगा। चलिए चौधरी साहब सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी भी बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अमरनाथ अग्रवाल जी भी बने हुए हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शलमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं।